हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल कल्याणी जूनियर्स पर। आज हम लोग हमारा चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 8, उसकी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चंस हमें एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं बच्चों, देखिए चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जो पर्टिकुलर लेसन है हमारा, आज का टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे रेशो। सबसे पहली चीज़ क्या देखने वाले हैं? रेशो। रेशो क्या चीज़ होती है बच्चों? सपोज़ मैं लिखता हूँ 1:5, मुझे कोई क्वांटिटी, कोई नंबर दिया है 1:5 में, तो इसका ये मतलब होता है बच्चों कि मुझे 1 में किसी एक कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई करना है और 5 में भी उस कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो गिवन रेशो है बच्चों, उसमें क्या होगा, किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होने पर हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, ये रेशो का मतलब होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 3:4, है ना बच्चों? अगर कोई किन्हीं दो क्वांटिटीज़ के बीच में 3:4 है, तो इसका मतलब कि 3 में भी किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई होगा और 4 में भी किसी एक कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई हमें करना है, तब जाके हमें वो नंबर मिलेगा, हमें वो क्वांटिटी मिलेगी। ये होता है रेशो। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, मतलब कि प्रति 100, 100 पर। ठीक है, तो जब ये साइन लगा होगा ना बच्चों, तो हम वहाँ पर लिखेंगे 1/100, और अगर हमें परसेंट लगाना है तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से। ठीक है बच्चों, तो ये परसेंटेज हम देखेंगे कि हमें कुछ फिगर्स दिए होंगे, किसके अंदर दिए होंगे, परसेंट के अंदर दिए होंगे। हमें अगली चीज़ जो सीखनी है वो है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं, कंपनी उसे बनाती है और जब उसे जो कंज्यूमर्स होते हैं जब उसे खरीदते हैं, तो क्या करना होता है बच्चों, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स ऐड करके देना होता है। सपोज़ आपके पास कोई पेन है, आपने कार खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा, कंपनी ने जिस रेट में उसको बनाया है, कंज्यूमर जब उसे यूज़ करेगा, उसे खरीदेगा, तो उसे कुछ टैक्स देना होगा, जिसे हम कहेंगे वैल्यू एडेड टैक्स, जो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे फर्दर वीडियोस में इस पर्टिकुलर लेसन में। और हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है? इंटरेस्ट होता है ब्याज। ब्याज मतलब कुछ पैसा अगर आपने किसी को दिया है, या आप किसी व्यक्ति ने बैंक से या किसी अदर पर्सन से, किसी लैंडलॉर्ड से पैसा लिया है, तो एक टाइम इंटरवल के बाद उस पैसे में कुछ और पैसा ऐड करके रिटर्न करना होता है। तो उस एडेड मनी को, उस एक्स्ट्रा मनी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं उसको? हम इंटरेस्ट कहते हैं। वो दो टाइप से कैलकुलेट होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है एक्सरसाइज 8.1 से। देखिएगा, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? सबसे पहला टास्क है रेशो फाइंड करना है किसका। देखिए, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर। एक स्कूटर की स्पीड को हमें कंपेयर करना है किससे? बाइसिकल की स्पीड से। तो बच्चों देखिए, कंपेयर करते हैं हम, हमें रेशो अगर फाइंड करना है तो कॉमन वैल्यू को क्या करना है, उसमें से हटाना है, कॉमन को हटाना है। तो देखेंगे बच्चों, स्पीड ऑफ बाइसिकल हम लिखते हैं स्पीड, हमें निकलना है रेशो, स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर।
स्कूटर की स्पीड को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो बच्चों क्या दे रखा है हमें, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर से चलती है साइकिल, और 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है क्या, स्कूटर। ठीक है बच्चों, डिवाइड करना है और जो भी कॉमन चीज़ें हैं उन सब को हटाना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर किलोमीटर पर आवर से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 होता है और 5 6 होता है 30, 5 3 15, 5 6 30, अब 3 1 3 और 3 2 6, तो जो आंसर आ रहा है बच्चों 1/2 आ रहा है, या हम इसे कहेंगे 1:2। जो हमारा रेशो होगा वो होगा 1:2, मतलब 1:2 की स्पीड में चलेंगी कौन, बाइसिकल और स्कूटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, देखेंगे हमें निकालना है 50 पैसा, 50 पैसा से हमें रेशो निकालना था ₹5। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया है, हमें सिमिलर क्वांटिटीज़ को हटाना है, सिमिलर चीज़ को हटाना है। तो पहले तो बनाना पड़ेगा बच्चों, इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये तो रुपए दे रखा है आपको। 50 पैसा जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ₹50 के लिए हमें 5 × 100 और पैसा करना होगा, जिससे देखो बच्चों पैसा हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 is 5 और 5 1 is 5, 1/10। ऊपर 1 बच रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बच रहा है 10, तो बच्चों रिक्वायर्ड रेशो क्या होगा, 1:10, जो कि क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, पैसे को हमें कन्वर्ट करना पड़ा, सबसे पहले रुपए को कन्वर्ट करना पड़ा पैसे में। ठीक है, देखेंगे सबसे अगला क्वेश्चन अब हमारा जो है वो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज़ टू परसेंटेज। ठीक है बच्चों, देखो ये एक ऑप्शन है हमारे पास कि हमें 3:4, 3:4 को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर बच्चों, परसेंटेज के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, 3/4, 3/4 में मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, परसेंटेज में। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 25 और 25 3 होता है 75%, कितना होता है 75%। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, देखो 3:4 लिखें या 75% लिखें, बात एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं एक और ऑप्शन और लेते हैं अपन, लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं 1/4। देखो बच्चों हम 1/4 को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो देखो कितना हो जाएगा, हमें यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देगा हमें 25 और 25 1 होता है 25, जिसके पीछे हमें लिखना है परसेंट। तो 1/4 या 1:4 अगर हमारे पास होता तो हम कहते ये 25% है, कितना है 25%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसके और ऑप्शंस भी दे रखे हैं वो आप करिएगा, इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए बच्चों 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास दे रखा है कि 72% किसके, 25 के जो क्या हैं मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए
हमें देखना है, हमें गिवन है सॉल्यूशन में, हम लिख रहे हैं गिवन 72% ऑफ 25 आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, तो हमें नंबर निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है उनके, तो कितना होगा बच्चों? देखो 72% ऑफ का मतलब होता है 25, मतलब मल्टीप्लाई लगाना है हमें। देखो बच्चों, हम लिखेंगे 72 अपॉन परसेंटेज की जगह हमें लिखना है 1/100, 25 से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, इसको कैंसिल करेंगे हम, 4 से 25 फोर ज़ा हो जाएगा 100। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो तो 4 बन जा 4 और हो जाएगा 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, तो आंसर आ गया 18। मतलब 18 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? मैथ्स पसंद है, और हमें बताना है कि कितने लोगों को पसंद नहीं है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हूँ डज नॉट लाइक या इंटरेस्टेड मैथ्स। तो देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर होगा टोटल 25 स्टूडेंट हैं जिनमें से 18 को मैथ्स पसंद है, तो कितने बचेंगे हमारे पास? 7, 7 स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ्स इंटरेस्ट नहीं लगती। ठीक है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है उनको। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आसान ही है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगिनिंग? देखो बच्चों, चमेली ने क्या किया, 75% उसके पास जो पैसे थे उसको खर्च कर दिया और बचे उसके पास ₹600। तो आपको बताना है कि बिगिनिंग में उसके पास कितने पैसे थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, लेट चमेली हैव, चमेली हैव रुपीज एक्स इन बिगिनिंग। ठीक है बच्चों, बिगिनिंग में उसके पास ₹X थे, तो देन बाय क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर में जमाना है। तो देखो, 75% पैसे उसने क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए, तो बचे कितने? 600। और 600 कितना होता है बच्चों, किसके इक्वल होगा? 25%। ठीक है, देखो बच्चों, हम लिखते हैं टोटल अमाउंट जो है वो है, टोटल है ₹X, है ना, चमेली के पास थे, जिसमें से हमने 75% खर्च कर दिए, है ना बच्चों, टोटल ₹X थी, ₹X का 75% खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 600 बचे। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमें इसको करना है। देखो ये है X-75 अपॉन में 100 लिखूँगा और होगा X, और इधर चल रहा है आपका ₹600। देखो बच्चों, ये जो है वो हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा? 3/4, मतलब कि X-3/4 X=₹600। इसे देखिए, मैं थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 4X-3X/₹600। ठीक है बच्चों, इसको हमने सॉल्व किया, तो 4X-3X/4 फ्रैक्शन आ रही है,
हमें इसको सॉल्व करने के लिए कि 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और ये बचेगा x। देखिए 4 6 24, ठीक है बच्चों। देखिए तो इसका मतलब ये है कि चमेली के पास कितने रुपए थे बच्चों बिगिनिंग में, 24, 2400। सो चमेली हैव रुपीज 2400 इन बिगिनिंग, भी आप लिख सकते हैं। ये आपका या इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। हमें मान लेना है, सपोज कर लेना है कि ₹1 चमेली के पास बिगिनिंग में थे, स्टार्ट में थे। तो क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि जो ₹1 थे उसमें से 75% उसने खर्च कर दिए, 75% कम कर देंगे हम टोटल पैसे में से, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 600 बचेंगे। इसे हमने कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू लाए हम 2400। समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। देखिए बच्चों, इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30 लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अदर गेम जो लोग पसंद करते हैं उनका परसेंटेज कितना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं। हम लिखते हैं गिवन पीपल हु लाइक व्हाट, क्रिकेट। ठीक है बच्चों, क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं, 60%, और फुटबॉल कितने पसंद करते हैं, 30%। तो पीपल हुम लाइक अदर गेम्स, जिन लोगों को अदर गेम्स पसंद हैं वो कितने परसेंट होंगे। तो देखो बच्चों, किसी भी एक अगर पर्टिकुलर चीज़ की बात की जाती है तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो पाएगा, 100 ही हो पाएगा। तो 100% में से हम क्या माइनस करेंगे, 60 प्लस 30%, जो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90, मतलब कि 10%। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा था उसका आंसर कितना हो जाएगा, 10%। 10% लोग ऐसे हैं जो क्या क्रिकेट और फुटबॉल को पसंद नहीं करते। अब देखिएगा हमारा जो टास्क है वो क्या है कि हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल बताने हैं, क्या जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, जो या फिर अदर टाइप के गेम को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक व्हाट, क्रिकेट। क्रिकेट पसंद करने वाले कितने लोग हैं बच्चों, 60% ऑफ 50 लाख। ठीक है बच्चों, 50 लाख लोगों का 60% जो है वो क्या है, क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं। तो इसको देखो बच्चों, परसेंटेज की जगह हम लिखते हैं 1/100, ऑफ की जगह लिखते हैं मल्टीप्लाई, और 50 लाख जो है वो हमारा एज इट इज़ चल रहा है। तो बच्चों देखिए, ये 50 2 100 हो जाएगा और ये 2 3 हो जाएगा, 2 3 6 60। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पीपल हूँ लाइक क्रिकेट आएगा 30 लाख। कितने, 30 लाख लोग जो हैं आउट ऑफ 50 लाख क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। अब देखते हैं हम
हमारे क्वेश्चन के जो नेक्स्ट आंसर है उसकी तरफ। तो देखो बच्चों, अब हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल हुम लाइक फुटबॉल। फुटबॉल जो पसंद करते हैं, अगर उनका नंबर हमें पता करना है तो वो कितने हैं, 30% ऑफ 50 लाख दे रखा है ना बच्चों क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 30% के लिए 1/100 मल्टीप्लाई 50, जो क्या हो जाएगा बच्चों, 2, और ये हो जाएगा 15। ठीक है बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन आपको आती होगी। देखो अब यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है 15 लाख। तो 15 लाख ऐसे हैं जो 50 लाख में से हैं, और उनको क्या पसंद है, फुटबॉल। और अब हम देखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ पीपल हूँ लाइक अदर गेम्स जिनको पसंद है वो कितने हैं, 50 लाख। टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं 30 लाख लोगों को पसंद है क्रिकेट, 15 को पसंद है फुटबॉल, तो बचेंगे कितने, 5 लाख। 5 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको क्या पसंद होगा, अदर गेम, या वो इंटरेस्टेड होंगे किसी और गेम में, क्रिकेट और फुटबॉल उनको पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 8.1 से, जिनमें कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब इन्हीं सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बच रहे हैं आपके लिए फॉर प्रैक्टिस। हमें क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है। अगर क्वेश्चन हमें समझ नहीं आता है, अगर हमें कोई डाउट लगता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में उसे प्लेस करना है, लिखना है आपके डाउट या फिर आपकी प्रॉब्लम को। ठीक है, फर्दर वीडियोस में आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, कल्याणी जूनियर्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद।